आप सभी स्टूडेंट्स का नमस्कार। फिजियोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि जिनका भी जाता है फिजियो चल रहा है, जिन स्टूडेंट्स का भी उन स्टूडेंट्स के मैंने भरतपुर ग्राउंड का तो पहले मेरे वीडियो में बता रखा है मैंने कि भरतपुर ग्राउंड में फिजियो किस तरह करना है। अब मैं बात करता हूँ उदयपुर ग्राउंड की और अजमेर ग्राउंड की। तो उदयपुर ग्राउंड में वैसे ग्राउंड टैक बिल्कुल सही है, रनिंग का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, रनिंग के टाइम में प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आता है लॉन्ग जंप का, लॉन्ग जंप का भी ठीक है ट्रैक, लॉन्ग जंप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो परफेक्ट ट्रैक है ना, दोनों चीज लॉन्ग जंप ट्रैक भी परफेक्ट है। नहीं जो चिनअप ट्रैक है, चिनअप है, चिनअप के अंदर आप सभी स्टूडेंट से परफेक्ट चिनअप आ रहे हैं, जिसमें आपके पैर भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हैंड्स भी पूरे खुलने चाहिए और चिन भी पूरे ऊपर जाने चाहिए। तो इसका सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, वो वहां पर आपको कुछ एक बार करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप चिनअप निकाल लिया आपको, और उसके बाद में आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से निकालते हैं। अगर पैर फोड़ करके निकालोगे तो उसको भी नहीं मार रहे हैं, अगर आप चीन ऊपर ले जाएंगे तो उसको भी नहीं मारेंगे, तो आपको वहां पर चीन प्रॉपर निकालनी है। कुछ स्टूडेंट क्या है स्टार्टिंग से सोचते हैं साठ निकालने के चक्कर में, अगर कोई पांच परफेक्ट आ रही ना तो पांच को भी पैर फोड़ करके निकाल रहे हैं या चीन पूरी ऊपर लेके नहीं जा रहे, तो अगर वो जो एक दस नंबर मिलने चाहिए ना वो भी खराब हो जाएंगे। तो आप जितने भी निकालो ना उतने भी परफेक्ट निकालो, जब उसके बाद थक जाते हो, जब मानो परफेक्ट निकाली आपने और उसके बाद अभी पांच चीजें परफेक्ट हो गई, उसके बाद आपसे नींद निकल रही, तो आप फिर अपने साथ पैर वगैरह फोल्ड कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग से पैर वगैरह फोल्ड नहीं करने, प्रॉपर चीजें निकाली जिन्हें आप निकाल सकते हो। और हर स्टूडेंट जिसकी तीन आ रही है वो वहां पर पांच आराम से निकाल सकता है, दो चीजों का इंक्रीमेंट कन्फर्म होगा, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। तो बिल्कुल घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाए, सिर्फ ये बोलो इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर सारी चीजें सारे परफेक्ट इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये तो रही उदयपुर ग्राउंड की बात, अब हम बात करते हैं अजमेरी ग्राउंड की। अजमेरी ग्राउंड में चिन्ह वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, रनिंग ट्रैक परफेक्ट है, लॉन्ग जंप का परफेक्ट, चिन्ह का परफेक्ट है, लेकिन जो लॉन्ग जंप ट्रैक है, लॉन्ग जंप के ट्रैक में आज तक ही मैं बता रहा हूं, अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग जंप का जो ट्रैक है उसके अंदर जो उसके बाद आप जब रनअप लेते हैं, रनअप लेने के बाद में जो फंट लगाया हुआ है वो संगमाइका का लगा हुआ है, संगमाइका। तो संगमाइका में अगर आपको बता दूं एक लकड़ी आती है और वो बिल्कुल बिल्कुल मुलायम लकड़ी होती है, जिसमें पैर रखते पैर स्लिप होता है ना, और उस ट्रैक के ऊपर भी थोड़ा बहुत वही बजरी से जमा बजरी को जमाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ट्रैक में पैर जाता है तो उस तरह से पैर स्लिप होता है, तो आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है इससे बचने की, या तो आप इस तरह से पूरा कॉन्फिडेंस करें विदाउट शूज करें, अगर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है जहां तक अगर विदाउट शूज करेंगे तो भी अगर संगमाइका के ऊपर अगर पैर गिरेगा तो आपका स्लिप ही होगा, तो उससे जंप नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो आप कोशिश करें इससे बचते हुए इससे पहले जंप लेने। आप जो फंटा लगाया हुआ है, ये जो संगमाइका भी है, जो लकड़ी लगाई है, उससे एक आप थोड़ा सा पहले जंप ले लें, उससे पैर नहीं आने देगा तो सही रहेगा, आपको वहां पर 14 फुट से 13 फुट आएगा और 15 फुट से 14 फुट आ जाएगा, लेकिन वो आपको परफेक्ट आएगा, उसमें आप 20 नंबर और 10 नंबर आराम से ला सकते हो, लेकिन 15 फुट के चक्कर के अंदर आपके ये 20 नंबर और 10 नंबर भी चले जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है अजमेर ग्राउंड के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को जो आपका फंटा लगा उससे बचना है, कल चेंज कर देते हैं कुछ होता था उसका नहीं है, तो अभी तक ये सिचुएशन बनी हुई है, तो आप इसमें पूरा ध्यान रखें, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाए, और इन चीजों अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे ना तो आप अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिर्फ जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की, और हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो स्टूडेंट 16 फुट भी लॉन्ग जंप कर सकते हैं आराम से, और गर्ल्स कैंडिडेट है वो भी इसी को फॉलो कर सकती है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो क्या थोड़ा सा घबरा रही है ना, तो उनको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंस रखना है उनको भी कि हमको सिर्फ एक बार तो बनाना है, और कॉन्फिडेंस साथ करें, कॉन्फिडेंस साथ करोगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये उदयपुर और अजमेर ग्राउंड का आपके सामने फीडबैक है, तो इसको आराम से आप फॉलो करें और प्रॉपर ध्यान से जाए, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जाए, और आप एक जज्बे के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो ये जो विविधाएं है ना ये आपको परेशान नहीं कर सकती, आप इनको भी पार कर जाओगे आराम से। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अपना फिजिकल कीजिए, और मेरा जो भरतपुर का वीडियो है भरतपुर ग्राउंड का उसको जरूर देखना, आप उस वीडियो देखोगे ना आप में अलग मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर दे रहा हूं मैं, और आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी दवा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने और साथियों को भी साथ शेयर कीजिए, और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।